एक राजकुमारी जिनका नाम विद्योत्मा था बहुत विद्वान थी। रानी ने प्रण लिया था कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उसी के साथ विवाह करेंगी। फिर क्या था, बहुत सारे विद्वानों ने उसके साथ शास्त्रार्थ किया परंतु उसने एक एक कर सबको पराजित कर दिया। उसके बाद विद्योत्मा को ऐसा लगने लगा कि अब उसको पराजित करने वाला कोई विद्वान है ही नहीं। अब उसे अपने ज्ञान पर घमंड होने लगा। फिर कुछ विद्वानों ने मिलकर एक युक्ति बनाई और उसका विवाह एक मूर्ख से कराने की सोचने लगे। इसी सोच के साथ विद्वान एक ऐसे व्यक्ति की खोज में निकले जो महामूर्ख हो। कुछ समय के खोज के उपरांत उन्हें एक बागीचा दिखा जिसमें एक व्यक्ति दिखा जो पेड़ की जिस टहनी पर बैठा था उसे ही काट रहा था। बस विद्वानों को समझ आ गया कि इससे महामूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को नीचे बुलाया और बताया कि तुम्हारा विवाह हम राजकुमारी के साथ करवा देंगे, बस हम लोग जैसा कह रहे हैं वैसा करो। मूर्ख व्यक्ति इस बात से सहमत हो गया। फिर विद्वानों ने उसे संतों के समान वस्त्र और तिलक पहनाकर राजकुमारी विद्योत्मा के समक्ष ले गए और बोला, ये हमारे गुरु हैं जो काफी समय से मौन तप कर रहे हैं, ये आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, किंतु आपको अपने प्रश्न इशारे में पूछने होंगे। राजकुमारी इस बात से सहमत हो गई और शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। प्रश्न के तौर पर राजकुमारी ने अपनी एक उंगली उस मूर्ख के सामने दिखाई जिसका अर्थ था ब्रह्मा एक है, परंतु उस मूर्ख ने समझा कि वह उसकी एक आंख फोड़ने के लिए कह रही है। मूर्ख ने तुरंत जवाब में दो उंगली दिखाई जिसका अर्थ था कि यदि वह उसकी एक आंख फोड़ेगी तो वह उसकी दोनों आंख फोड़ देगा, परंतु राजकुमारी ने समझा कि सृष्टि में ब्रह्मा और जीव दोनों हैं, इसलिए वह इस उत्तर से संतुष्ट हो गई। फिर राजकुमारी ने अगले प्रश्न के तौर पर अपनी पांच उंगलियां खड़ी की जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन मूर्ख ने समझा कि वह उसे थप्पड़ मारने को कह रही है, तो उसने अपनी पांचों उंगलियों को जोड़कर मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा। परंतु राजकुमारी ने समझा कि पांचों तत्व तो अलग अलग हैं, परंतु मन तो एक ही है और मन सभी तत्वों को संचालित करता है, इसलिए राजकुमारी को यह उत्तर सही लगा और इस तरह उस मूर्ख ने राजकुमारी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया और उसका विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। परंतु राजकुमारी को कुछ समय पश्चात ही उस व्यक्ति के अनपढ़ और मूर्ख होने का पता चल गया। राजकुमारी ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और बोला, जब तक पूर्ण ज्ञान और प्रसिद्धि न पा लेना घर वापस मत आना। इस बात से उस व्यक्ति को अहम ठेस पहुंचा और उसने ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। फिर उस व्यक्ति ने माँ काली की उपासना की और ज्ञान प्राप्त किया। वह मूर्ख व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महान विद्वान कालिदास थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद कालिदास ने कुल 40 ग्रंथ लिखे जिससे उन्हें महान कवि और साहित्यकार होने की उपाधि मिली। ज्ञान प्राप्ति और प्रसिद्धि के उपरांत कालिदास जब अपने घर लौटे तो अपने घर का दरवाजा खटखटाकर कहा, कपाटम उद्वाट्य सुंदरी, जिसका अर्थ होता है दरवाजा खोलो सुंदरी। राजकुमारी ने सोचा कि यह तो कोई विद्वान व्यक्ति लगता है। राजकुमारी ने तुरंत दरवाजा खोला और सामने अपने पति को देखकर हर्षोल्लास से भर गई और खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। तो ये थी महान कवि और महान साहित्यकार कालिदास जी की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी राय हमें पोस्ट करें। हमारी ईमेल आईडी है alaukikbharat@gmail.com। धन्यवाद।